सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी चैनल का जीमेल आईडी कैसे निकालें ओनली वन विदाउट मोबाइल नंबर का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, तो उस पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल स्क्रीन पाना है। मोबाइल स्क्रीन पाने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, तो आपको यहाँ पे ब्राउजर एक दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए ब्राउजर को ओपन करना है, और जैसे आप ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे यूट्यूब का आइकन नहीं है तो आप लोग सर्च टाइप वेब एड्रेस पर क्लिक करिए, यूट्यूब लिखिए, सर्च करिए, आपके सामने यूट्यूब का आइकन बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग यूट्यूब का आइकन क्रोम ब्राउजर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको यूट्यूब पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे पीसी या लैपटॉप में जिस तरह का इंटरफेस दिखता है आपको उस तरह का बनाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट की कॉर्नर में दिखेगा थ्री डॉट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और नीचे एक आइएगा डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल का इंटर तरह का पीसी और लैपटॉप में शो करता है उस तरह का यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना है, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिर्फ क्लिक करने के बाद अब आपको उस चैनल का नेम लिखना है जिस चैनल का आप लोग जीमेल आईडी को पता करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल टेक्निकल गुरु जी का ही आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि उनके चैनल का जीमेल आईडी क्या है। अब देखिए यहाँ पर उनका चैनल खुल गया है, मैं इस चैनल पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपके सामने उनका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो चलने दीजिए। और आप लोग यहाँ पे जब आएंगे तो एक ऑप्शन ये अबाउट का दिखता है। देखिए ये ऑप्शन जो है ना बहुत सारे लोगों में शो नहीं कर रहा है, या शो भी कर रहा है तो यहाँ पे क्या उनके पास दिक्कत आ रही है कि वो लोग अपने जीमेल को नहीं देख पा रहे हैं। देखिए अब यही ऑप्शन जो डिटेल्स का होता है ये शो सबके में नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं शो कर रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो चैनल बनाते वक्त एक कॉन्टेक्ट इन्फो का ऑप्शन होता है, उसमें अगर आप लोग अपने जीमेल को ऐड नहीं किए रहेंगे तो आपको यहाँ पे शो ए ऑप्शन नहीं करेगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यू जीमेल पर, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आई रिवोट कर देना है इसको। आई रिवोट करने के बाद अब यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट जैसे करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जीमेल आ चुका है। तो आप लोग इस तरह से किसी भी चैनल का जीमेल आईडी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट इन्फो में आपका जीमेल आईडी ऐड होना चाहिए, तभी यहाँ पे शो करेगा, वरना नहीं करेगा। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मन में जो भी आपके पास क्यूरी है कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके शांति, साइनिंग आउट, नमस्ते।